Hi guys, welcome back to my channel. For those of you who new to the channel, do not forget to subscribe and also hit the bell icon for notification. Aajka topic hai CBC. CBC is a test that diagnoses many components and features of a person's blood. हम सबने सीबीसी का रिपोर्ट देखा ही होगा. जब भी हमें कुछ तकलीफ होती है तो डॉक्टर हमें सबसे पहले सीबीसी करने को बोलते हैं. बिकॉज मैक्सिमम प्रॉब्लम हमें सीबीसी रिपोर्ट से ही पता चलता है. ब्लड से रिलेटेड कोई डिसीज हो उससे सीबीसी करके पता चलता है, जैसे एनीमिया हो, थैलेसीमिया हो, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो. तो चलिए देखते हैं व्हाट इज अ कंप्लीट ब्लड काउंट. सीबीसी टेस्ट क्या है? A complete blood count, also known as a full blood count, is a set of medical lab tests that gives information about the cells in person's blood, overall health, and detect a wide range of disorders. CBC test complete blood count है, उसे full blood count भी कहा जाता है. ये medical lab test का एक set है जो कि person के blood से सेल्स की पूरी इन्फॉर्मेशन देता है. पूरे हेल्थ और पूरे रेंज से पता चल जाता है कि कुछ एबनॉर्मल हो तो क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. विच स्पेसिमन यूज फॉर सीबीसी? नॉर्मली सभी लैब में ईडीटीए, जिसका फुल फॉर्म है इथाइलिन डायमिन टेट्रा एसिटिक एसिड, यही यूज होता है. वेल मिक्स ईडीटीए होल ब्लड रहता है ईडीटीए में, जो कि मिक्स करना पड़ता है, क्लॉट ना हो पाए इसलिए. उसके बाद है एनालाइजर फॉर सीबीसी टेस्ट. सीबीसी टेस्ट के लिए कौन सा एनालाइजर यूज करते हैं? थ्री पार्ट और फाइव पार्ट, दो टाइप की मशीन्स रहती है. थ्री पार्ट में सीबीसी का पूरा काउंट आ जाता है और फाइव पार्ट में जो डिफरेंशियल काउंट रहता है वो भी मिल जाता है. मतलब थ्री पार्ट से फाइव पार्ट में थोड़े ज्यादा पैरामीटर्स मिल जाते हैं. तो हम देखते हैं इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स कौन कौन से हैं. रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिट, मतलब पीसीवी. जो टॉपिक मैंने लास्ट टाइम बताया था ब्लड, उसमें मैंने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की साइज भी बताई थी, आप वो वीडियो देख सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. रेड ब्लड सेल्स विच कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट ऑफ बॉडी. आरबीसी लंग से ऑक्सीजन लेके पूरे बॉडी को पहुंचाता है. व्हाइट ब्लड सेल्स विच फाइट इन्फेक्शन. देयर आर फाइव मेजर टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी. डब्ल्यूबीसी जो है वो हमारे बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स जो आए तो उससे इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए डब्ल्यूबीसी फाइट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन और उसको किल कर देता है. डब्ल्यूबीसी के पांच टाइप्स है, उसमें उसको कहते हैं डिफरेंशियल काउंट, ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट. ये भी मैंने लास्ट टाइम के टॉपिक में बताया था ब्लड के टॉपिक पे. नेक्स्ट है प्लेटलेट्स विच हेल्प ब्लड टू क्लॉट एंड स्टॉप ब्लीडिंग. जब भी कोई इंजुरी होती है तो ब्लड स्टॉप करने के लिए वो प्लेटलेट क्लॉट करने में हेल्प करता है, तो हमारी ब्लीडिंग जो होती है वो स्टॉप हो जाती है. उसके बाद है हीमोग्लोबिन. अ प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल्स दैट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड टू द रेस्ट ऑफ बॉडी. हीमोग्लोबिन में प्रोटीन प्रेजेंट रहता है रेड ब्लड सेल्स में, जो कि कैरी करता है ऑक्सीजन लंग्स से और पूरी बॉडी में पहुंच जाता है. नेक्स्ट है हीमेटोक्रिट, मतलब पीसीवी. हीमेटोक्रिट टेस्ट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ब्लड. हीमेटोक्रिट जो है वो मेजर करते हैं कि ब्लड में रेड ब्लड सेल्स का प्रोपोर्शन कितना है, मतलब कितने प्रमाण में आरबीसी प्रेजेंट है. तो हम देखेंगे कि आरबीसी कम या ज्यादा होने से क्या होता है, क्या एबनॉर्मल डिसऑर्डर हो सकते हैं. सीबीसी का रिपोर्ट बहुत हाई और बहुत कम आए तो क्या इंडिकेट कर सकता है? आयरन डिफिशियंसी, विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी, हार्ट एलमेंट्स,
ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, बोन मैरो प्रॉब्लम, कैंसर, रिएक्शन टू अ स्पेसिफिक मेडिकेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ इन्फेक्शन. अ हाई काउंट ऑफ आरबीसी कुड हैपन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. आरबीसी काउंट हाई क्यों हो जाता है वो देखते हैं. डिहाइड्रेशन और सवर डायरिया, किडनी प्रॉब्लम विथ हाई एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम. दिस कुड बी बिकॉज ऑफ अ हार्ट और लंग डिसीज, स्मोकिंग. डिहाइड्रेशन और डायरिया की वजह से भी काउंट हाई हो जाता है. किडनी प्रॉब्लम, अगर ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो और ये बहुत टाइम से चलता आ रहा हो तो भी हो सकता है. और जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तभी उनका आरबीसी काउंट ज़्यादा आता है. अ लो काउंट ऑफ आरबीसी और हिमेटोक्रीट कुड ऑकर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. लो आरबीसी काउंट क्यों होता है वो भी देखते हैं. ऑटोइम्यून डिसीजेस लाइक ल्यूपस, एरिथ्रेमेटोसिस और रूमेटाइड आर्थराइटिस, ये ऑटोइम्यून डिसीज़ के वजह से हो सकता है. ल्यूपस, एरिथ्रेमेटोसिस और रूमेटाइड आर्थराइटिस की वजह से. अगर ब्लड लॉस और हिमोरेज, अगर ब्लड लॉस हो जाए तो ऑफकोर्स आरबीसी काउंट लो आ जाएगा. बोन मैरो फेल्यूर, अगर बोन मैरो में ही कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आरबीसी फॉर्म नहीं होगा, तो इसलिए भी आरबीसी काउंट लो आ सकता है. क्रोनिक किडनी प्रॉब्लम, ल्यूकेमिया और अदर ब्लड कैंसर, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन लाइक हिपेटाइटिस, इनएडिक्वेट डाइट एंड न्यूट्रिशन, अगर लॉन्ग टर्म हिपेटाइटिस इन्फेक्शन चल रहा हो तो भी आरबीसी काउंट लो हो सकता है. और इनएडिक्वेट डाइट एंड न्यूट्रिशन, इसकी वजह से भी आरबीसी और हिमेटोक्रिट लो हो सकते हैं. अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी लो काउंट के क्या रीजंस हो सकते हैं. अगर डब्ल्यूबीसी काउंट लो हो जाए तो उसको हम ल्यूकोपिनिया बोलते हैं, जो कि हो सकता है ऑटोइम्यून डिसीजेस की वजह से, बोन मैरो फेल्योर और लीवर डिसीज के वजह से. हाई काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, उसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं. जब नॉर्मल काउंट से ज़्यादा हो जाए डब्ल्यूबीसी तो हम उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, जो कि हो सकता है इन्फेक्शियस डिसीजेस, ब्लड कैंसर और ल्यूकेमिया से, इन्फ्लामेटरी डिसीजेस, हाई लेवल ऑफ इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस, टिश्यू डैमेज लाइक बर्न्स. अगर जलने से टिश्यू डैमेज हो जाए तो डब्ल्यूबीसी का काउंट हाई हो जाता है. लो लेवल्स ऑफ हीमोग्लोबिन कुड बी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स. हीमोग्लोबिन लो क्यों हो जाता है वो देखते हैं. एनीमिया ऑफ वेरियस टाइप्स और ब्लड लॉस, अगर किसी भी तरह का एनीमिया हो गया तो हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम हो जाती है. और अगर ब्लड लॉस भी हुआ किसी एक्सीडेंट में या फिर कुछ लगने की वजह से तो भी हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो जाता है, तो उसे हम एनीमिया इंडिकेट करते हैं. तो ये था सीबीसी. और अब हम देखेंगे सीबीसी रिपोर्ट, उसमें सब पैरामीटर्स रहते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, हिमेटोक्रिट और डिफरेंशियल काउंट भी रहता है, जो कि हमने देखा है. हमारे पास सीबीसी का रिपोर्ट है जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट है, जो कि कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं, उसका रिजल्ट है और उसका नॉर्मल रेंज है. तो उससे हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट एबनॉर्मल है या नॉर्मल है. तो डब्ल्यूबीसी काउंट की नॉर्मल वैल्यू है 4000 to 10000, आरबीसी काउंट 4.5 to 6 million, हीमोग्लोबिन 14 to 18 ग्राम पर डाइल्यूशन, हीमेटोक्रिट की नॉर्मल वैल्यू है 40 to 50%. हीमेटोक्रिट की वैल्यू परसेंट में देखते हैं. एमसीवी 80 to 98 फेमटोलीटर, MCHC 27 to 31 पिक्टोग्राम, MCHC 32 to 36 ग्राम पर डाइल्यूशन, RDW 11 to 16%, और प्लेटलेट्स की है 1,40,000 to 4,50,000. अब देखते हैं डिफरेंशियल काउंट, जो कि डब्ल्यूबीसी में हम स्लाइड पे स्मियर बना के देखते हैं. न्यूट्रोफिल से 40 to 75%, लिम्फोसाइट 15 to 45%,
मोनोसाइट 2 to 12%, इओसिनोफिल 2 to 6%, बेजोफिल 0 to 1%। तो ये कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट है और ये समझना बहुत ही आसान है, एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा।